Hello my dear friends and welcome back to KS Educational 200 best MCQ SBI Clerk Mains के लिए और कोई भी आपका further exam हो उसके लिए है। ये part जो मैं रख रहा हूँ आप लोगों के सामने ये दिसंबर के मंथ के और इसमें 200 best collection रखा गया आप लोगों के लिए और ये collection आपके exam में sure shot आना ही है। तो चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ session को और यहाँ पर जो भी मैंने important MCQ रखा है ये सभी MCQs को आपको एक बार बिल्कुल एग्जाम से पहले रिवाइज करते हुए रहना है और जितना अधिक बार आप देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपका क्लैरिटी आएगा, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ भी आप लोगों के लिए रखा हूँ और आप डिस्क्रिप्शन में इसका है लिंक, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और ये पीडीएफ का मैं खासियत आप लोगों को बता दूँ, 800 अप्रॉक्स आपको मिलेगा इसमें करेंट अफेयर्स MCQ, क्योंकि ये दिसंबर, जैन, फेब और मार्च का आपको एमसीक्यू रखा गया। इस तरीके से आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन रहे थे उन सभी का कलेक्शन से। अब ये इंपॉर्टेंट पीडीएफ क्यों हो जाता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। मैंने इसको ऐसा फ्रेम किया है, 50th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अगर बताया जाएगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आपके सामने आ सकता है, तो क्वेश्चन क्या क्या क्रिएट हो सकता है। क्वेश्चन हो सकता है कि ये कहां पर आपका हुआ था, इसमें फोकस कंट्री आपका कौन था, राइट? फोकस कंट्री जैसे इसमें रशिया था, कौन सा इसमें स्टेट था जो कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी क्रिएट हो सकता है कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला, और 51 और 52nd एडिशन जो होने वाला है उसके लिए कौन सा लीजेंडरी पर्सनालिटी है जो कि इसमें फोकस्ड होंगे। तो इस तरीके का सब कुछ क्वेश्चंस आपको ये पीडीएफ में मिलेगा। बहुत अच्छे तरीके से इसको फ्रेम किया गया है आपके एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर हो इसके लिए। तो आप लोग को अगर डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका सब कुछ लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं सेशन को और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। आप लोगों को ट्राई करना है क्वेश्चंस का आंसर इसी टाइम में देने का, जैसे ये क्वेश्चंस आपके सामने आता है आप ट्राई कीजिए इसका आंसर देने का। पहला क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के लिए रखा है, दैट नेम द पार्टनर कंट्री ऑफ द 39th एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2019। कौन सा कंट्री आपका पार्टनर कंट्री था, राइट? तो पार्टनर कंट्री इसमें कौन था आपका, अफगानिस्तान है। इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा कि आपका फोकस कंट्री कौन था, तो फोकस कंट्री आपका रशिया है। कौन सा ऐसा पहला स्टेट था जो कि इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो ऐसा स्टेट आपका हरियाणा है, हरियाणा इसमें फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, इसमें अगर बोला जाएगा आपको कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला था, तो ये सब कुछ क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। मैं ऐसे धीरे धीरे यहां पर डिस्कस करता चला जाऊंगा, लेकिन 200 क्वेश्चंस डिस्कस करना वो भी एक सिंगल वीडियो में काफी टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। प्रोनाउंसिएशन पर बिल्कुल मत जाइएगा, आप लोगों को जो एमसीक्यू प्रोवाइड किया गया है उसके थ्रू आप लोगों को जाना है। सेकेंड क्वेश्चन जैसे है, एक्सरसाइज मित्र शक्ति इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्रीज। एक्सरसाइज मित्र शक्ति जो है वो कौन से कंट्री से एसोसिएट है, आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन है, इसका क्या सही आंसर होगा आपको तुरंत अभी के अभी इसका आंसर देना है। और जितना ज्यादा आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। और कोशिश कीजिएगा कि पीडीएफ के थ्रू पहले एक बार पूरा चले जाएं और फिर आपके सामने जब ये क्वेश्चन आता है तो आप इसका एमसीक्यू का आंसर देंगे, तो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो इसका सही आंसर आपका क्या है, इंडिया और श्रीलंका, और ये 7th एडिशन था। और कहां पर ये हुआ था, तो ये पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। थर्ड क्वेश्चन जैसे है, द गवर्नमेंट हैज मैंडेटेड टू इनरोल फास्टैग फॉर टॉल पेमेंट ऑन नेशनल हाईवेज, फास्टैग वर्क्स अंडर विच टेक्नोलॉजी। कौन से टेक्नोलॉजी के अंदर ये फास्टैग आपका काम करता है, तो तमाम आपके सामने आंसर ऑप्शन है, आपको क्या इसका सही आंसर है वो आपको बताना है। तो ये डिपेंड करता है आपका ये किस पे वर्क करता है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पे वर्क करता है, जिसको कि RFID के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट सेलिब्रेट्स कोणार्क फेस्टिवल। थोड़ा सा क्लू लीजिए इसमें कि कोणार्क फेस्टिवल कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो आपको पता होगा कोणार्क टेम्पल कहां पे है, तो ये आपका सही आंसर क्या होगा, उड़ीसा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। कौन एशियन डेवलपमेंट बैंक के 10th प्रेसिडेंट हैं जिसको अभी अभी नियुक्त किया गया है, तो ये कौन है आपके, मस्त सुगु असकावा, ये आपका सही आंसर है, राइट?
अब मैं आप लोगों को एक चीज यहां पर बता देता हूं। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि आप लोग इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और क्यों इसको डाउनलोड करें, या फिर इसको मैंने फ्री नहीं रखा, ये एक पेड पीडीएफ है एंड द कॉस्ट इज़ ओनली 49 रुपीज़ आई थिंक। सो 49 रुपीज़ कोई बड़ा कॉस्ट नहीं है, लेकिन इसका ये जो पीडीएफ है इसका इम्पोर्टेंस बना रहे और आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद एक वैल्यू दो, एक इम्पॉर्टेंट दो, ताकि आप जब इससे पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपको ये फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो डेफिनेटली आप इस पीडीएफ को कभी देखोगे भी नहीं। अगर आपने इस पीडीएफ के लिए कुछ कॉस्ट दिया है तो आप इस पीडीएफ के थ्रू कुछ लर्न करने की कोशिश करोगे, और जब आप इस पीडीएफ को पूरा बना जाओगे, 800 क्वेश्चंस बना जाओगे, तो डेफिनेटली आप ये एग्जाम में बहुत बेनिफिट देगा। इसके साथ साथ मैं जो यहाँ पर एमसीक्यू आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप पीडीएफ नहीं ले पा रहे हो तो फिर आप इस एमसीक्यू के थ्रू जाओ, और मैंने बताया कि क्या इस पीडीएफ का इंपॉर्टेंस और कैसे आपको डाउनलोड करना है। आपको इसको पीडीएफ जब आप पे कर रहे हो तो इसमें आपको पेटीएम का लिंक दिया गया है, पेटीएम के थ्रू आपको 49 रुपीज़ पे करना है, एंड आफ्टर दैट आपको स्क्रीनशॉट लेना है उसका, और वहाँ जो ऑर्डर आईडी होता है उसका डिटेल आपको स्क्रीनशॉट के साथ kseducationalhub@gmail.com, ये पूरा सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपका दिया गया है, उस पर आपको भेजना है, और उसी मेल आईडी पे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ और एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये पीडीएफ के साथ जो मार्च तक का मैंने प्रोवाइड किया एमसीक्यू, मार्च के बाद जब भी आपका एग्जाम होगा एसबीआई क्लर्क का, तो तब तक का 10 दिन पहले एग्जाम से तभी तक का आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैं नहीं सोचता, मैं नहीं मानता कि ये 49 रुपीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और 49 रुपीज़ बस इसे ले लिया जा रहा ताकि ये पीडीएफ का एक डिग्निटी, एक इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंस बना रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चंस को, क्या है आपके सामने क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द लेगेसी ऑफ मिलिटेंसी इन पंजाब लॉन्ग रोड टू नॉर्मलसी, कौन इसके ऑथर है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर आपके सामने है इंद्रजीत सिंह और दोना शूरी, ये दोनों ही इसके ऑथर हैं, राइट। विच टू कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन 8th एडिशंस ऑफ जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज दैट इज हैंड इन हैंड 2019, जो दो कंट्री पार्टिसिपेट किए थे हैंड इन हैंड एक्सरसाइज में, वो दो कौन थे आपको यहां पर बताना है, और सही आंसर आप अभी के अभी बिल्कुल इसको बताइए, जो आपका लाइव सेशन चल रहा है इसमें आप बिल्कुल बताइए कि क्या इसका आंसर है, इसका सही आंसर क्या है, इंडिया एंड चाइना। और देखिए कि कितना हद तक आप सही बता पा रहे हैं। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम टू बी बिल्ट विद द एम टू बूस्ट द अंडर वाटर और मरीन आर्कियोलॉजी, ये आपका कहां पर है, फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम, ये आपका गुजरात में है, लोथल गुजरात। वॉट इज द स्ट्राइक रेंज ऑफ द न्यूली टेस्ट फायर्ड सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल पृथ्वी टू जो आपका मिसाइल है उसका स्ट्राइक रेंज आपसे पूछ रहा है, तो इसका स्ट्राइक रेंज आपके सामने है 350 किलोमीटर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मधु ऐप फॉर ई लर्निंग फॉर स्टूडेंट बाई प्रोवाइडिंग वीडियो लेक्चर्स एंड एक्सरसाइज, कौन सा मधु ऐप के नाम से किस स्टेट गवर्नमेंट ने ई लर्निंग एक प्लेटफॉर्म, एक ऐप लॉन्च किया है, ये आपका उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। नाउ विच स्टेट इज सेट टू प्रोवाइड 25% सब्सिडी एंड 100% स्टैम्प ड्यूटी वेवर फॉर सेटिंग अप डिफेंस इंडस्ट्री इन द स्टेट, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने यह प्रोत्साहन दिया है कि आपको 25% सब्सिडी और 100% स्टैम्प ड्यूटी पे वेव किया जाएगा, यह उत्तर प्रदेश के द्वारा आपका किया गया है। नाउ नेम द लिरिसिस्ट ऑफ द पोषण एंथम, आपको बताना है कि पोषण एंथम के लिरिसिस्ट कौन है, ये कौन है आपके, प्रसून जोशी। इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड और इंडियन नेवी डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन कौन से डेट पे इंडियन नेवी डे ऑब्जर्व किया जाता है, ये दिसंबर 4th है। नेम द मेड इन इंडिया फर्स्ट इंटरसेप्टर वेसल दैट वॉज गिफ्टेड बाई इंडिया टू मालदीव्स टू इन्हेंस इट्स मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए मेड इन इंडिया पहला फास्ट इंटरसेप्टर किस कंट्रीज को इंडिया प्रोवाइड किया है, मालदीव्स को, राइट। तो ये आपको बताना है कि क्या है ये फास्ट इंटरसेप्टर का नाम, ये कौन है, कामयाब। नाउ व्हाट इज द फिक्स्ड मैच्योरिटी ऑफ इंडिया इंडियाज फर्स्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ, भारत बॉन्ड ईटीएफ, ये कौन है आपका, इसका आपको बताना है फिक्स्ड मैच्योरिटी, तो ये 3 साल और 10 साल का है, राइट। इसी तरीके से विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड
My Health Women Suraksha Policy, a comprehensive medical insurance scheme specially designed for the women. कौन सा इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है? ये एचडीएफसी ने किया है, एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, राइट? नेम द फर्स्ट लिविंग स्विस हु फेस द इनग्रेव्ड इन स्विस कॉइन. पहला स्विस जिसका की फेस या मुखौटा बता सकते हो कि स्विस कॉइन में रखा गया है, इनग्रेव्ड किया गया है, ये कौन है? रोजर फेडरर. Which state government approved to create land bank in rural areas for industrial development? किस state government ने approve किया है एक land bank create करने का rural areas में ताकि industrial development हो पाए? ये पंजाब government ने step लिया है. Now, which two countries participate in the joint tri-service exercise Indra 2019? कौन सा country है जिसने participate किया था Indra 2019 में? अगर आपको पता है कि Indra कौन कौन से countries के बीच में होता है तो definitely आप इसका answer दे देंगे. ये कौन कौन सा है? India और Russia है. Now, the next question is, where is the headquarter of North Atlantic Treaty Organization? NATO का headquarter कहाँ? Static GK से related question है और ये PDF में आपको भरा पड़ा मिलेगा. जब कुछ जनरल अवेयरनेस है उसी से रिलेटेड स्टेटिक का भी क्वेश्चंस है. तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए और बिल्कुल पता भी होगा. तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम. दूसरा, नेम द फर्स्ट एशियन कंट्री विच बिकम द गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर 33rd नेशनल इंटरनेशनल बुक फेयर 2019 दैट हेल्ड इन मैक्सिको. फर्स्ट एशियन कंट्री जो कि गेस्ट ऑफ ऑनर थे 33rd इंटरनेशनल बुक फेयर में, ये कौन था आपका? इंडिया है, राइट? वेयर वॉज द सेंट्रल इंडिया फर्स्ट अवंते मेगा फूड पार्क इनॉग्रेटेड बाय द हरसिमरत कौर बादल? पहला मेगा इंडिया फूड पार्क इनॉग्रेट किया गया है कहां पर, ये आपको बताना है. सेंट्रल इंडिया में, ये आपका कहां है? मध्य प्रदेश में एमपी देवास जगह नाम है, यहां पे आपका हुआ है. टू विच बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिलीज द फाइनल गाइडलाइंस ऑन द फैसिलिटी टू अप्लाई ऑन टैप फॉर लाइसेंस? ये किसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाया है? ये लाया है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए. जो ऑन टैप लाइसेंसिंग की बात है ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए लाया गया है. अब क्वेश्चन एक मेरा यहां आप लोगों से रहेगा कि पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन था, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है. दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक? इसी तरीके से क्वेश्चन रिलेट करना होगा कि अगर मिनिमम पेड अप इक्विटी वोटिंग इक्विटी कैपिटल देखा जाए स्मॉल फाइनेंस बैंक का तो क्या होता है? ये कितना है आपका? 200 करोड़ रुपीज. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हाउ मेनी ईयर पेमेंट बैंक आर एलिजिबल टू बिकम द स्मॉल फाइनेंस बैंक? कितने दिनों के बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोई भी एक पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के लिए रेडी हो जाता है वो कितने दिनों के बाद? इफ दे मीट द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होता है अगर वो मीट कर रहे हैं तो. ये 5 साल के बाद होता है कि कोई भी पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सकता है, 5 सालों के बाद अगर उसने हर एक रूल एंड रेगुलेशन फॉलो किया है तो. वॉट इज द इंक्रीज लेंडिंग लिमिट इम्पोज ऑन P2P दैट इज पीयर टू पीयर लेंडर फ्रॉम 10 लाख बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इसको 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? P2P लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये 50 लाख बढ़ाकर कर दिया गया है इसको 10 लाख से. नाउ हु ऑथर्ड द बुक टाइटल कालेश्वरम प्रोजेक्ट तेलंगाना प्रगति रंथम दैट डिस्क्राइब्स द डिटेल एंड हिस्ट्री ऑफ द कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन? ये बुक के ऑथर कौन है आपको बताना है. और ये सही आंसर क्या है? श्रीधर राव, दैट इज श्रीधर राव. नाउ वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट हाइब्रिड एनवीटी HAM बेस्ड 14 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लान इनॉग्रेटेड? ये कहां पर आपका हुआ? इंडिया का फर्स्ट हाइब्रिड एनवीटी है, राइट? ये आपका कहां हुआ है? सराई विलेज इन हरिद्वार, दैट इज इन उत्तराखंड. Which police station become the best performing police station across the country for the year 2019? कौन सा police station best performing police station है? इसका सही answer क्या है? That is अंडमान एंड निकोबार में ये police station है, अबेरदीन police station. ठीक है? Now who was appointed as the new chairman of National Stock Exchange? NSE के new chairman कौन है? ये कौन है आपके? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी. दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे फॉर द ईयर 2019 दैट ऑब्जर्व्ड ऑन 7th ऑफ दिसंबर? 7 दिसंबर को ऑब्जर्व किया गया था.
इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, इसका थीम आपसे पूछा जा रहा है, किस दिन ऑब्जर्व किया गया था? 7th of December। तो थीम आपका क्या है? 75 ईयर ऑफ कनेक्टिंग द वर्ल्ड। नाउ हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज? ओपेक में कितने मेंबर्स हैं? ओपेक में टोटल 14 मेंबर्स हैं। इसी तरीके से स्टैटिक जीके भी आपका कवर होता चला जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, टू विच कंट्री इंडियाज एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, हैज प्रोवाइडेड डॉलर ऑफ 500 मिलियन रुपीज, 100 मिलियन मतलब अगर देखा जाए तो रुपीज में 3561 करोड़, लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर द डिफेंस रिलेटेड प्रोक्यूरमेंट? कौन से कंट्रीज को इंडिया का एक्सिम बैंक ने यह प्रोवाइड किया है? ये आपका बांग्लादेश को प्रोवाइड हुआ है। नाउ हु वॉज इलेक्टेड एज द 46th प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड? कौन 46th प्राइम मिनिस्टर फिनलैंड के अभी अभी घोषित हुए हैं एंड बिकम द वर्ल्ड यंगेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 34? शना मिरेला मरीन, राइट? नेम द अभियान विच एम्स टू प्रमोट द एजुकेशन अमंग द रूरल एंड द ट्राइबल चिल्ड्रेन। कौन सा वह अभियान है जो कि जिसका एम है कि प्रमोट करें एजुकेशन को रूरल और ट्राइबल चिल्ड्रेन में? इस अभियान का नाम है एकल स्कूल अभियान, बाई विच यर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी अनाउंस टू सेट अ 400 न्यू एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल अक्रॉस द कंट्री। कौन से ईयर तक यह फोकस रखा गया है कि 400 न्यू एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाया जाएगा कंट्री में? ये 2022 मतलब 2022 तक आपका ये टारगेट रखा गया है। फिर विच कंट्री टॉप्ड इन द स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज सिप्री? द सिप्री टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड द मिलिट्री सर्विस कंपनीज 2018 एंड रिमेन द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म प्रोड्यूसर। कौन सा कंट्री टॉप पे है? ये कंट्री आपका कौन है? यूनाइटेड स्टेट। और इंडिया का अगर इसमें बात पूछा जाएगा तो इंडिया का पोजिशन इसमें 10th है, राइट? जहां पर कि यूएस टॉप पोजिशन पे है। विच स्टेट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड इंडियाज फर्स्ट पशु किसान क्रेडिट कार्ड टू 101 एनिमल फार्मर टू प्रमोट द एनिमल हस्बेंड्री एंड द एग्री बिजनेस? किस स्टेट ने यह डिस्ट्रीब्यूट किया है इंडिया का फर्स्ट पशु किसान क्रेडिट कार्ड? ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। नाउ द नेम द पार्टनर कंट्री ऑफ द 17th एडिशन ऑफ बायो एशिया 2020। पार्टनर कंट्री आपको बताना है जो 17th एडिशन बायो एशिया 2020 का हुआ था। इसके पार्टनर कंट्री कौन है आपका? स्विट्जरलैंड है। नाउ हाउ मेनी मॉन्यूमेंट्स वे आर रिकॉग्नाइज्ड एज द मस्ट सी मॉन्यूमेंट्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट एंड कल्चर एंड टूरिज्म? प्रहलाद सिंह पटेल, कितने ऐसे मॉन्यूमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है मस्ट सी मॉन्यूमेंट्स में? ये आपके टोटल है 138, राइट? नाउ हु वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एथलीट एंड द कल्चरल फुटवेयर फॉर द प्यूमा फॉर 3 ईयर? कौन अपॉइंट किए गए ब्रांड एम्बेसडर? ये कौन है आपके? सुनील छेत्री। ऑन विच डेट यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड डे वॉज सेलिब्रेटेड? किस डे में ये सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है दिसंबर 11 में। वॉट इज द अथोराइज कैपिटल ऑफ द मुद्रा बैंक? अगर मुद्रा बैंक अथोराइज कैपिटल आपसे पूछा जाए तो ये क्या है? स्टैटिक जीके कवर हो रहा है, राइट? ये आपका 1000 करोड़ रुपीज है। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन द एशियन डेवलपमेंट बैंक दैट इज ADB? ADB में टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 68 कंट्रीज हैं। विच बैंक विल बी अलाउड टू परचेज हाई रेटेड पुल्ड असेट फ्रॉम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जिसको HFC के नाम से जाना जाता है अमाउंटिंग टू ए टोटल ऑफ 1 लाख करोड़ बाई पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम? कौन से बैंक को ये अलाउ किया गया है? ये आपका पब्लिक सेक्टर बैंक में दिया गया है, राइट? नाउ विच विल बी अमेंडेड बाय द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्सी कोड 2nd Amendment Bill 2019 टू बूस्ट द इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड सेक्टर? ये कौन सा आपका है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who become the youngest time person of the year for 2019 के लिए देखा जाए तो कौन youngest time person है? ये कौन है आपका? ग्रेटा थनबर्ग। नेम द बिल पास बाय द पार्लियामेंट टू सेट अप यूनिफाइड अथॉरिटी टू रेगुलेट ऑल फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंडिया। ये कौन है आपका? किस बिल को प्रोड्यूस किया गया है, पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा एक यूनिफाइड अथॉरिटी टू रेगुलेट ऑल फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंडिया? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी बिल 2019। Which country has signed a memorandum of understanding for
corporation in the field of education and scientific research with India recently? किस country ने ये sign किया है? ये आपका वियतनाम है. Now, which bank has partnered with the MasterCard to provide an additional layer of security functions called MasterCard Identity Check for digital transactions? Which bank partnered with MasterCard? कौन सा bank partnered है? Federal bank है. Who will head the 10-member working group constituted by the IRDAI, Insurance Regulatory and Development Authority of India to recommend for loss prevention and minimizations in the general insurance? किस 10 member working group के कौन head हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है सवाल. तो ये कौन है? T.L. Alamelu. Who topped in the 16th annual working of the Forbes 2019 list of the world 100 most powerful women list released on December 2019, जो कि 100 most powerful women में कौन top position पे है? ये कौन है आपका? Angela Merkel. अगर Union Minister जो Finance के हैं, निर्मला सीतारमण, उसका पोजीशन अगर देखा जाए तो ये 34th पोजीशन है उस पूरे लिस्ट में. तो ये भी टॉप 100 में आपके हैं. नाउ दे नेम द फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द ला लीगा फ्रॉम इंडिया. पहली बार ऐसा देखा गया कि ला लीगा में ब्रांड एम्बेसडर रखा गया इंडिया से. हु इज द फर्स्ट एवर नॉन फुटबॉलर अपॉइंटेड इन दैट पोजिशन? ये कौन है? रोहित शर्मा. एक्टर एंड द राइटर गोपीला गोलापुडी मारुति राव पास्ट अवे रिसेंटली. ही बिलोंग टू विच स्टेट? वो किस स्टेट से बिलोंग करते थे? क्या क्या हैं वो? एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं. ये आपके आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे. वेयर वॉज द फर्स्ट वर्चुअल पुलिस स्टेशन? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि फर्स्ट वर्चुअल पुलिस स्टेशन ऑफ आंध्र प्रदेश इनॉग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर जगमोहन रेड्डी. कहां पर यह इनॉग्रेट किया गया है वर्चुअल पुलिस स्टेशन? आपको ये बताना है. तो ये आंध्र प्रदेश आपका आंध्र यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम में वर्चुअल पुलिस स्टेशन इनॉग्रेट किया गया है. विच स्टेट होस्टेड नमस्ते ऑर्च फेस्टिवल 2020? किस स्टेट ने ये होस्ट किया है? ये होस्ट किया गया था मध्य प्रदेश के द्वारा. नाउ वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इडाई? हेडक्वार्टर अगर अभी मैंने देखा एक क्वेश्चन से इडाई से था. इडाई का अगर आपसे पूछा जाएगा कि हेडक्वार्टर कहाँ है तो ये आपको बताना है. दैट इज इन हैदराबाद. इंडिया इज सेट टू रिकंस्ट्रक्ट 11 हेरिटेज साइट अंडर इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर द आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इंडिया इज सेट टू रिकंस्ट्रक्ट 11 हेरिटेज साइट. ये किस कंट्री में हो रहा है? तो नेपाल में इंडिया के द्वारा किया जा रहा है. नाउ वेयर विल 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस विद द थीम ऑफ जियो साइंस द बेसिक साइंस फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड? ये कहाँ आपका हुआ था जो कि 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस था? ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ था. एंड द इवेंट इज टू बी ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस. ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा. नाउ द बेस्ट ऑन हाउ मेनी कैटेगरीज 57 कंट्रीज वेयर अगेन रैंक्ड इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? कितने ऐसे कैटेगरी के अंदर 57 कंट्रीज को रखा गया है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में? ये टोटल आपका जो कैटेगरी है वो 4 कैटेगरी होता है. कौन कौन सा कैटेगरी है ये सब कुछ आपको पीडीएफ में पूरा डिटेल्ड में दिया गया है. ये कौन सा 4 कैटेगरी है? एक तो है पहला आपका GHG, दैट इज ग्रीन हाउस गैस इमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज और क्लाइमेट पॉलिसी. ये 4 कैटेगरी है जिसके बेसिस पे 57 कंट्रीज को इस परफॉर्मेंस इंडेक्स में रखा गया है. Now, which organization has planned to set up a dedicated green window to serve the unserved segment of renewable energy sector? ये कौन सा आपका है? तो ये Indian Renewable Energy Development Agency आपका ये organization है जिसने setup करना है. How many countries agreed to achieve carbon neutrality by 2050 during the 25th sessions of Conference of Parties? COP25 में देखा गया कि कितने ऐसे countries agree हैं. तो ये टोटल कंट्रीज आपका 73 है. और इसी तरीके से क्वेश्चंस और भी बनता चला जाता है. जैसे विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर द एवरी चाइल्ड बाय 2030, आर वी ऑन ट्रैक? कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये रिपोर्ट रखा है और आर वी ऑन ट्रैक? तो ये आपका कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? ये ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ. यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपसे सवाल रहेगा और आपको कमेंट करके बताना है. Name the India's first corporate bond ETF launched by the Edelweiss Asset Management Company.
ये जो कॉर्पोरेट पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड है, ये क्वेश्चन में ही पता चल रहा है आपको कि इसका सही आंसर क्या होगा, एडलविस बॉन्ड ईटीएफ। और इसके लिए टोटल इनिशियल अमाउंट जो आपका रखा गया है वो 3000 करोड़ का रखा गया है। नाउ विच मसाज हैज बीन इंडक्टेड टू यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन प्रेस्टिजियस हेरिटेज लिस्ट, कौन सा वो मसाज है? ये आपका कौन है, नॉर्थ थाई, जो कि थाईलैंड का बहुत प्रमुख है। विच कंट्री ओलंपिक कॉमनवेल्थ गेम मेडलिस्ट सर पीटर जॉर्ज स्नेल पास्ट अवे, कौन से ये कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। नाउ द माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ किसके, किस पर ये आपका लेसन है, किस पर ये पुस्तक है? तो ये विश्वनाथन आनंद पे है। द बुक वॉज ऑथर्ड बाई विश्वनाथन आनंद बाई एंड शुशैन नीनान एंड पब्लिश बाई दी हैचेटे इंडिया। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड टू सोशल वेलफेयर स्कीम, विजय मरिथम एंड दी सचरी, टू प्रोवाइड मोटिवेशन एंड टू बिकम दी हेल्पिंग हैंड फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। कौन सा ये स्टेट ने ये दो सोशल वेलफेयर स्कीम लॉन्च किया है? ये केरला गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। एंड मुलपेरियर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पेरियर जो डैम है, ये मुलपेरियर डैम, पेरियर अगर आप जान रहे हैं तो एक नेशनल पार्क भी है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी क्रिएट होगा आपका कि मुलपेरियर डैम कहां पर है, तो ये आपका केरला में है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर लोकेटेड? ये थोड़ा डिफरेंट है, इसका आपसे पूछा जा रहा है हेडक्वार्टर आपका कहां है। इसका हेडक्वार्टर कहां है, स्विट्जरलैंड में है। How much capital was allocated to Namami Gange project for the year 2015-20 to the five state, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal? कौन ये total जो capital allocated किया गया है, ये total है, capital कितना है? 20,000 crore rupees. What was the theme of 6th Indian Ocean Dialogue for the year 2019 that held in New Delhi? Theme पूछा जा रहा है आपसे कि Ocean Dialogue जो था इस 2019 में, उसके लिए थीम क्या रखा गया? तो थीम आपका इंडो पैसिफिक री इमेजिनिंग एंड द इंडियन ओशन थाउट थ्रू एन एक्सपेंडेड जियोग्राफी। नेम द वनली कंट्री दैट अकाउंटेड अ ह्यूज राइज इन बर्थ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 41% 2005-06 to 80% ओवर ए डिकेड अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ रिपोर्ट। बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर एवरी चाइल्ड बाई 2030 आर वी ऑन ट्रैक। ये क्वेश्चन इससे पहले भी मैंने देखा। ये आपको बताना है कौन सा वो एक सिंगल कंट्री है, ये कंट्री कौन है, इंडिया है। हाउ मेनी चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 आर नॉट रजिस्टर्ड इन द वर्ल्ड एज पर द यूनिसेफ रिपोर्ट? अगर देखा जाए तो कितने ऐसे एज जो 5 एज ग्रुप ऑफ 5 में है, कितने ऐसे बच्चों का इसमें दर्शाया नहीं गया है रिपोर्ट में? तो ये टोटल जो है वो है 166 मिलियन ऐसे चाइल्ड अभी भी हैं। हु वॉन द मैन सिंगल टाइटल इन द BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2019? हु वॉन? तो ये आपका कौन है, केंटो मोमोटो। नाउ विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल डिजिटल स्टेट ऑफ इंडिया कंपैरेटिव एनालिसिस? ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है? ये ऑर्गेनाइजेशन है आपका क्योस एज। क्योस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन से अगर आपके दिमाग में है तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। नाउ नेम द ग्राम पंचायत दैट टॉप्ड इन 2019 रैंकिंग अंडर द मिशन अंत्योदय स्कीम। कौन सा ग्राम पंचायत टॉप पोजिशन पे है इस स्कीम में, मिशन अंत्योदय स्कीम, अंत्योदय, राइट? तो ये कौन है, मोलुगांबोंदी, जो कि तमिलनाडु में है। ये ग्राम पंचायत टॉप पोजिशन पे है। Name the campaign launched in India to increase the appropriate use of steel in India. Appropriate steel use के लिए देखा जाए तो ये कौन है, स्पति इरादा, ये इसका सही आंसर है, ठीक है? और पीबी शिंदु ब्रांड एम्बेसडर है स्पति इरादा का। Which state celebrated the 16th edition of state level orange festival? State level orange festival का 16th edition किस state में celebrate किया गया है, मणिपुर में। नाउ नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिलीज द जेंडर गैप इंडेक्स फॉर 2019। जेंडर गैप इंडेक्स 2019 कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये रिलीज किया है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। बहुत बार देखा गया आपके एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, इन दोनों में इस तरीके का क्वेश्चंस बहुत बार देखा जाता है।
नाउ हु वॉज अपॉइंटेड एज द 28th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कौन है? मनोज मुकुंद ये 28th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं. What is the target year set by the government of India to provide broadband access to all the villages under the national broadband mission? ये question मैंने poll में भी रखा था, right? को इसका सही answer आपका क्या है? 2022, right? 2022 और श्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा ये mission आपका launch किया गया था, जिस mission का नाम है National Broadband Mission. Name the certificate that is mandatory for recycling the SIPs in India as per the Recycling of SIP Act 2019. Certificate का आपको नाम बताना है. ये certificate का नाम है Ready for Recycling Certificate. By how much percent complaint received in banking ombudsman increased for the year 2018-19 from the previous year 2017-18? अगर देखा जाए तो Reserve Bank of India के according ये report है कि 2018-19 में जो banking complaint होते हैं उसमें कितना का बढ़ोतरी देखा गया है 2017-18 के comparison. तो ये आपका सही answer 19.75% है. Which organization has partnered with the Axis Bank for launching co-branded credit card? किस organization ने Axis Bank के साथ partner किया है ताकि co-branded credit card को launch कर पाएं? ये Indian Oil Corporation के द्वारा partner, Indian Oil Corporation और Axis Bank का partnership है. Which organization has launched country's first waste exchange platform to buy and sell reusable and recycled product online? ये कौन सा organization ने launch किया है? Country का पहला waste exchange platform. ये कौन है? ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन. हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. नेम द एप्लीकेशन लॉन्च बाय द मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द वीमेन. अभी आप न्यूज में भी बहुत ये क्वेश्चंस बहुत बार इसका आपके सामने जिक्र होता होगा, न्यूज में अभी बहुत चल भी रहा है ये. तो क्या एप्लीकेशन का आपका नाम रखा गया जो कि मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया था एप्लीकेशन. इस एप्लीकेशन का नाम है MPE कॉप. Which state has recently set up its first special economic zone at an estimated cost of 1,550 crore that will boost the agro-based food processing industry? Kis state government, kis state ne ye recently set up kiya hai? Pahla special economic zone. Ye kaun hai? Tripura hai. What is the target year set by the government of India after the extension for Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation Amrut Scheme? टारगेट ईयर आपको बताना है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सटेंशन किया गया है अटल मिशन फॉर रेजुमिनेशन एंड द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का, अमृत स्कीम का. ये जो एक्सटेंशन है ये 2022 तक का है. नाउ विच बैंक अलॉन्ग विद यूको बैंक हैज साइंड एन MOU विथ टू प्रोवाइड ए पेपरलेस कैशलेस एंड ट्रांसपेरेंट पेमेंट सिस्टम ऑन इट्स पोर्टल. यूको बैंक आपका बताना है कुछ कौन सा ऐसा बैंक है विच बैंक और यूको बैंक ने मिलकर यह इनिशिएटिव लिया है. ये बैंक आपका कौन है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र है. नेम द इंडियन पॉलिटिशियन हु वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड 2019 फॉर हिज बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. बुक एक इंडियन पॉलिटिशियन हु वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है, आपको नाम बताना है फॉर हिज बुक. कौन वो पॉलिटिशियन है? शशि थरूर. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, GIC का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये सवाल आपसे और ये स्टैटिक जीके पे सवाल है, राइट? तो इसका हेडक्वार्टर आपके सामने है, मुंबई में है. वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट वैक्सीनेशन ऑन व्हील, वैक्सीनेशन ऑन व्हील, इंडिया का पहला वैक्सीनेशन ऑन व्हील क्लिनिक लॉन्च बाय द IIT हैदराबाद सेंटर फॉर द हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योरशिप फेलो मिस्टर जिग्नेश पटेल इन कॉलेबोरेशन विद द बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन. Where was the India's first vaccination on will? ये कहां पर आपका है? ये आपका पुणे महाराष्ट्र में है. Now name the large scale anti-hijacking exercise conducted by the Indian Navy in association with the India Coast Guard and Cochin Port Trust in Kochi Coast. Large scale पे anti-hijacking exercise हुआ था, इसका आपको नाम बताना है, क्या नाम है? ये आपका अपराहन है, ठीक है. इसी तरीके से क्वेश्चंस को और आगे देखते हैं. वेयर वॉज द इंडियन कोस्ट गार्ड रीजनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज नेम स्वच्छ समुद्र NW 2019 हेल्ड. ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा एक्सरसाइज किया गया था स्वच्छ समुद्र NW 2019 कहां पर हुआ था? ये आपका गल्फ ऑफ कच्छ, दैट इज इन गुजरात. विच यूनिवर्सिटी हैज साइंड एन MOU विथ नेशनल रेल ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट
मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू सेट अप फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पहला सेंटर ऑफ एक्सलेंस अगले जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन फॉर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये किस यूनिवर्सिटी ने एमओयू साइन किया है इन दोनों के साथ? ये यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम इंग्लैंड। विच एंटिटी बिकम द थर्ड इंडियन कंपनी टू क्रॉस एमकैप ऑफ 100 बिलियन डॉलर। अगर एमकैप की मैं बात बता दूं तो बहुत बार मैंने जिक्र किया है कि क्या होता है एमकैप। और जब मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करता हूं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब होता है एक ऐसा कैपेसिटी मार्केट में जिसको जिसका कि अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया हुआ हो और उसकी कैपिटल जो है मार्केट में वो बहुत अत्यधिक हो। हालांकि इस पे रिलेटेड वीडियोस भी बहुत बार मैंने दिया आप लोगों को। तो तीसरा ऐसा इंडियन इकोनॉमी इंडियन कंपनी कौन सा है? तो तीसरा ऐसा इंडियन कंपनी कौन है? दैट इज हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, एचडीएफसी बैंक। नाउ व्हाट इज द स्ट्राइक रेंज ऑफ न्यूली टेस्ट फायर्ड क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसको QRSAM के नाम से भी जाना जाता है? इसका स्ट्राइक रेंज आपको बताना है। इसका स्ट्राइक रेंज कितना है? दैट इज 25 to 30 किलोमीटर, मतलब 25 से 30 किलोमीटर का इसका स्ट्राइक रेंज है। नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज पार्टनर्ड विथ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC फॉर ICC वीमेन T20 वर्ल्ड कप 2020 फॉर द इम्पावरिंग वीमेन एंड द गर्ल इन द क्रिकेट। कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ ये पार्टनरशिप हुआ है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन कौन है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको बिल्कुल बताना है। नाउ द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, बहुत बार देखा जाता है ये क्वेश्चन, इज लोकेटेड इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में है? ये उत्तराखंड में आपका। नाउ विच कंट्री हैज अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट एडिशन ऑफ गांधी सिटीजन एजुकेशन सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज टू एनिमल वेलफेयर टू परपेचुएट महात्मा गांधी आइडियल्स। अगर देखा जाए तो कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने अनाउंस किया पहला ऐसा एडिशन गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज, ताकि गांधी जी के आइडियल्स को और भी ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके? ये कंट्री आपका कौन है? पुर्तगाल है, राइट? तो इसी तरीके से मैं और आप लोगों को बता दूं कि ये PDF में क्या खासियत है, ये PDF को मैं क्यों खास मानता हूं। ये PDF इसीलिए खास है कि अगर मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आता है दैट 39th एडिशन ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ये कहां पर हुआ था, इसका फोकस कंट्री कौन था, फोकस स्टेट कौन था, इसका थीम क्या था, राइट? तो इन सभी क्वेश्चंस को मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसमें फ्रेम किया है, राइट? जैसे इसका फोकस कंट्री अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या है? रिपब्लिक ऑफ कोरिया। अगर आपको ये PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आपको बस इतना करना है कि पेटीएम के थ्रू आपको पेमेंट करना है, 49 रुपीज का कॉस्ट है, और ये पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट लेना है और जो ऑर्डर ID नंबर होता है उसका स्क्रीनशॉट आपको मेल ID पे भेज देना है। मेल मैंने मेंशन कर दिया है, kseducationalhub@gmail.com, और आप जब इसको मेल करेंगे वो स्क्रीनशॉट के साथ, तो आपको उसी मेल पे PDF सेंड कर दिया जाएगा। और एक और बात, ये PDF आपका 31st ऑफ मार्च तक का है, मतलब 31 मार्च तक ये PDF बना है। इसके बाद जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो मैं उस एग्जाम से 10 दिन पहले तक का जो भी इंपॉर्टेंट MCQ होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके उसी मेल ID पे भेज दूंगा, और ये इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। और ये PDF एक ऐसा PDF है जहां पर कि स्टैटिक से भी रिलेटेड क्वेश्चंस को रखा गया है, उसी क्वेश्चंस के साथ ठीक नीचे आपको मिल जाएगा उससे रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपका क्रिएट हो सकता है एग्जाम में। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इसी सेशन को, और मैं बता दूं आप लोगों को इसके बाद जो क्वेश्चन है दैट हु वर द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल टर्बुलेंस एंड ट्रंप द मोदी ईयर दैट डिस्क्राइब अबाउट द लाइफ जर्नी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसके ऑथर का नाम आपको बताना है, और ये ऑथर आपके कौन है? राहुल अग्रवाल और भारती एस प्रधान है, राइट? इसी तरीके से एक और स्टैटिक, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF लोकेटेड। हेडक्वार्टर कहाँ है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का? लंदन, मतलब UK में आपका हेडक्वार्टर है। नाउ वेयर इज द कॉमन नेम ऑफ द करेंसी दैट वॉज रीनेम्ड फॉर CFA franc बाई द 8 वेस्ट अफ्रीकन नेशंस?
कॉमन नाम एक रखा गया इस करेंसी का, इस करेंसी का नाम क्या है यह आपसे पूछा जा रहा है, जो कि अभी अभी निर्धारित किया गया है, ECO, राइट, इको इसका कॉमन नाम है। अब नाउ नेम द चेयरमैन ऑफ द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड हुज टेन्योर वाज एक्सटेंडेड बाय द 6 मंथ। चेयरमैन आपको बताना है नाबार्ड का, जिसका कि टेन्योर अभी अभी 6 महीने से एक्सटेंड किया गया था, ये कौन है? हर्ष कुमार भनवाला, मतलब HK भनवाला। विच सिटी इज सेट टू होस्ट द फीफा, जिसको कि अंडर 17 फीफा भी बोला जाता है, विमेन्स वर्ल्ड 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम, ये कौन है आपके? सिटी, किस सिटी में ये होस्ट होना है? ये अहमदाबाद, मतलब गुजरात में आपका होस्ट होना है। नाउ ऑन विच डेट नेशनल मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली, कॉमेमोरेटिंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द लीजेंडरी इंडियन मैथमेटिशियन श्री निवास रामानुजन। किस डेट में मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है? ये कौन सा डेट आपका? 22nd दिसंबर। नेम दिस स्कीम लॉन्च बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रोवाइड 24,000 पर एनम फॉर ईच हैंडलूम वीवर फैमिली। अगर देखा जाए जो स्कीम लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा, ताकि गवर्नमेंट के द्वारा 24,000 पर एक साल में, अगर देखा जाए पर एनम प्रोवाइड किया जाएगा हैंडलूम फैमिली को, ये कौन सा स्कीम है? नेथन्ना नेस्थम। जयकवाड़ी डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ये डैम आपका किस स्टेट में लोकेट करता है? तो ये डैम आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नाउ व्हाट इज द कैपिटल करेंसी ऑफ द क्यूबा, कैपिटल करेंसी क्यूबा का क्या है? बहुत बार कैपिटल करेंसी आपके एग्जाम में देखा जाता है, तो कैपिटल करेंसी इज द हवाना एंड द करेंसी इज द क्यूबान पेशो, राइट। विच स्टेट गवर्नमेंट टॉप्ड द लिस्ट इन द कवरेज अंडर माइक्रो इरीगेशन फॉर 2019? विच स्टेट गवर्नमेंट टॉप्ड है अंडर माइक्रो इरीगेशन फॉर 2019 में? ये स्टेट आपका कौन है? तमिलनाडु है। एंड वॉट इज द टारगेट ईयर सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अचीव रिडक्शन इन द टोबैको यूज बाय द 30%? टारगेट ईयर रखा गया गवर्नमेंट के द्वारा, क्या 30% टोबैको के यूज में रिडक्शन किया जाए, ये टारगेट है आपका 2025 तक, मतलब 2025 तक आपका ये टारगेट रखा गया है। नाउ नेम द बैंक दैट विल ग्रांट अ लोन ऑफ $210 million फॉर इरीगेशन एंड सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इन इंडिया, ये कौन सा आपका बैंक है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नेम द डिस्ट्रिक्ट दैट वॉज अवॉर्डेड बाई द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एंड एजुकेशन फंड यूनिसेफ फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन इन वाटर सैनिटेशन एंड द हाइजीन सेक्टर फॉर द ईयर 2019। और ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपको ये नाम बताना है। तो ये डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ है? तेलंगाना में है, कमरेडी डिस्ट्रिक्ट, ये इसका सही आंसर है। नेम द इंडियन एक्टर हु वॉन द प्रेस्टिजियस 50th दादा साहेब फाल्के अवार्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आपको आई थिंक पता भी होना चाहिए, पता भी होगा, ये कौन है एक्टर? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019 के लिए जो दिया गया, तो इसका सही आंसर क्या है? अमिताभ बच्चन। वट वॉज द स्ट्राइक रेंज ऑफ द न्यूली टेस्ट फायर्ड क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल? क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल का स्ट्राइक रेंज आपसे पूछा जा रहा है 30 किलोमीटर अप्रॉक्स। नेम द रेलवे स्टेशन विच हैज कोलेबरेटेड विद द एरो गार्ड एंड ओपेंड द ऑक्सीजन पार्लर टू प्रोवाइड एन एक्सपीरियंस ऑफ ब्रीथिंग क्लीन एयर एंड टू बैटल अगेंस्ट द राइजिंग एयर पॉल्यूशन। कौन सा रेलवे स्टेशन, ये आपको नाम बताना है। ये रेलवे स्टेशन नासिक रेलवे स्टेशन है। नाउ विच स्टेट टॉप्ड इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ गुड गवर्नेंस इंडेक्स अंडर द बिग स्टेट कैटेगरी? कौन सा स्टेट टॉप पोजिशन पे है फर्स्ट एडिशन जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स का था? ये स्टेट आपका कौन है? तमिलनाडु। विच यूनियन टेरिटोरी है दैट टॉप्ड अमंग द अदर यूनियन टेरिटोरीज इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द गुड गवर्नेंस इंडेक्स में? अब यूनियन टेरिटोरी की बात है, यूनियन टेरिटोरी में कौन है आपका? पुडुचेरी है। इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस IRMS विल बी रीनेम्ड एज, अगर इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस का नाम बदलकर अब क्या कर दिया जाएगा? ये है इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विसेस। What is the length of Atal Tunnel, world longest mountain tunnel under the Rohtang Pass located in Himachal Pradesh? Rohtang Pass का अगर tunnel नाम को length of the tunnel अगर आपसे पूछा जा रहा है कि that was the length of the tunnel, तो ये total आपका 8.8 किलोमीटर का है और world का longest tunnel है, right? Mountain tunnel.
Name the bank that has partnered with the Pine Labs to enable debit card facility for their debit card holders across the point of sale terminal by the Pine Labs. कौन सा बैंक के साथ ये पार्टनरशिप हुआ है? पाइन लैब का. ये बैंक आपका कौन है? कोटक महिंद्रा बैंक. What is the transaction limit for the goods and services met through the newly launched semi-closed prepaid payment instrument PPI? ट्रांजेक्शन लिमिट द गुड एंड सर्विसेज के अगर देखा जाएगा तो वो सेमी क्लोज्ड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट पीपीआई के लिए क्या है? तो ये ट्रांजेक्शन लिमिट 10,000 रुपए का है. राइट. हाउ मच परसेंट ऑफ द ग्रॉस एनपीए आर देयर इन द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एज ऑन द मार्च 2019? मार्च 2019 तक देखा जाए तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक में टोटल एनपीए कितना है? और ये टोटल एनपीए आपका कितना है? दैट इज 9.1%. By how much percent the bank fraud stood in the year 2018-19 as per the RBI report, trend and progress of banking in the India 2018-19. How much percent of the bank fraud is there? Total bank fraud 74% tha. Which bank has joined hand with Magic Brick for listing and e-auctioning of immovable properties reposed by the bank through recovery proceeding? Recovery procedure ke liye dekha jaye to kaun sa बैंक ने मैजिक ब्रिक के साथ ज्वाइंट किया है, मतलब हाथ मिलाया है. ये कौन है आपका? फेडरल बैंक है. नाउ द राखी हल्दर वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली एंड ही इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो ये स्पोर्ट्स आपका कौन है? वेटलिफ्टिंग है. नाउ नेम द हिंदी ऑथर पोइट या स्टोरी राइटर या नॉवेलिस्ट का नाम बताया जाओ या फिर ट्रांसलेटर हु वॉज नॉमिनेटेड फॉर द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 2019 फॉर हिज बुक मैं भी जाऊंगा जो बुक के लिए उनको पुरस्कार मिला था. इस ऑथर का आपका नाम क्या है? ये गंगा प्रसाद विमल हैं. नेम द स्कीम दैट वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू 14.6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड. इस स्कीम का आपको नाम बताना है जिसमें लगभग 14.6 करोड़ हाउसहोल्ड को लगभग ये फैसिलिटी प्रोवाइड होगा. जल जीवन मिशन JJM बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये. हाउ मेनी टाइप ऑफ द प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट? अब मैंने देखो इसी तरीके से रिलेटेड क्वेश्चंस को रखा है स्टैटिक में, दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट आर अलाउड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? कितने तरीके का प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो कि आरबीआई ने अलाउ करके रखा है? ये टोटल प्रीपेड तीन तरीके का होता है. एक क्लोज सिस्टम होता है, दूसरा आपका सेमी क्लोज होता है और तीसरा ओपन प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है. मतलब क्लोज, सेमी क्लोज और ओपन होता है. राइट. वेयर डेड द धर्मेंद्र प्रधान अनवील्स द इंडियाज फर्स्ट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बस विच कैन रन 1,000 किलोमीटर इन वन फिल? एक बार अगर फिल कर दिया जाए तो 1,000 किलोमीटर लगभग चलने की क्षमता है उसमें. ये आपका कौन सा है? न्यू दिल्ली. राइट. नाउ द क्वेश्चन इज दैट नेम द प्रोजेक्ट लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड इंटरनेट फैसिलिटी टू ऑल द विलेजेस. एक मैंने इससे पहले क्वेश्चन रखा था, वो भी इंटरनेट फैसिलिटी पे ही था, लेकिन ये कुछ डिफरेंट है. इंटरनेट फैसिलिटी टू ऑल द विलेजेस विथ एन ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट डिजिटल इंडिया. डिजिटल इंडिया के अंदर ये कौन है आपका? भारत नेट जो आपका प्रोजेक्ट है इसके अंदर ये किया जाना है. What is the target year set by the government of India to provide the free Wi-Fi services to all the villages through the Bharat Net? ये मैंने बताया आप लोगों को क्या है, मार्च 2020. In which city India's first transgender university will be opened? इंडिया का पहला transgender university कहाँ पर आपका open होगा, किस city में आपका open होगा? ये city आपका क्या है? उत्तर प्रदेश में है, that is कुशीनगर. Which bank has received the best performing bank award for rural self-employment training institute second rank for the 2018-19 from the union minister? To kis bank ko aapka best performing bank award mila hai? Ye bank aapka kaun hai? Andhra Bank hai. Under which act National Payment Corporation of India was registered? Kis act ke andar NPCI registered hai? Ye act aapka section 8 of the company act 2013. Where was the foundation stone of India's first transit-oriented development project led? कहाँ पर आपका ये foundation stone था, इंडिया का पहला transit-oriented development project? ये आपका न्यू दिल्ली इंडिया में है. Now which city hosts the national tribal dance festival, namely the tribal fest 2019 for the first time? ये कहाँ है आपका? रायपुर छत्तीसगढ़. Name the railway station that received the first eat right station
सर्टिफिकेशन फ्रॉम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, उस रेलवे स्टेशन का आपको नाम बताना है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन है। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सपोजर लिमिट ऑफ ऑल द प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आफ्टर विच दे हैव टू रिपोर्ट टू द सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द लार्ज क्रेडिट मेंटेन्ड बाय RBI। मैक्सिमम एक्सपोजर लिमिट आपको बताना है प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का। ये टोटल एक्सपोजर लिमिट जो मैक्सिमम है ये 5 करोड़ रुपीज का है। व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो ऑफ ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक फ्रॉम सेप्टेम्बर 2020 एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 20th इश्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट FSR के अकॉर्डिंग 2019 का रिपोर्ट जो था उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेप्टेम्बर 2020 से RBI का जो एस्टिमेटेड ग्रॉस NPA है राइट वो क्या है, ये 9.9% है। एंड हु रिसीव द यूनाइटेड नेशन मोस्ट फेमस टीनेजर इन द वर्ल्ड इन इट्स डिकेड इन रिव्यू रिपोर्ट, ये कौन है आपका, मलाला यूसुफ। नाउ हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल डायमंड इन माई पाम दैट डिस्क्राइब्स अबाउट द 12 डायमंड दैट वॉज लॉस्ट फ्रॉम इंडिया, ये कौन है ऑथर इसके, ये संजय धालवाड़कर हैं। Now name the book authored by the RPN Ranjit Pratap Naren Singh that describes about the relations between the center and the state and growth of regional parties in India. Yeah. ये जो book है ये authored RPN के द्वारा है, लेकिन book का आपको नाम बताना है क्या है, यह book का नाम है Politics of Opportunism. Which state will observe the year 2020 as Sushant Sankalp Varsh? Sushant Sankalp Varsh कौन सा state observe करेगा, ये स्टेट हरियाणा है। नाउ नेम द ऑर्गेनाइजेशन कंसिडरेड बाय द RBI टू कलेक्ट स्टोर एंड पब्लिश डेटा ऑन ऑल द बोरोवर्स क्रेडिट एक्सपोजर्स, ये कौन है, क्रेडिट रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द लार्ज क्रेडिट्स, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द लार्ज क्रेडिट्स। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ ईरान, अगर दोनों चीज पूछा जाए आपसे एग्जाम में तो क्या आप जवाब दीजिएगा, कैपिटल इसका तेहरान और जो करेंसी है वो क्या है, रियाल है। एंड वेयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ मंधू फेस्टिवल दैट कमेंस्ड, पहला एडिशन जो मंधू फेस्टिवल का तो वो कहां पर आपका हुआ, राइट तो ये मध्य प्रदेश में हुआ। एंड नेम द एजुकेशन लोन सब्सिडी स्कीम लॉन्च बाय द आसाम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, जो एजुकेशन लोन सब्सिडी स्कीम है उस स्कीम का आपको नाम बताना है, ये कौन है, अभिनंदन स्कीम, राइट। विच स्टेट और यूनियन टेरिटोरी है सेलिब्रेटेड लोशर फेस्टिवल रिसेंटली, कौन सा स्टेट और यूनियन टेरिटोरी ने इसे सेलिब्रेट किया है, ये कौन है आपका, दैट इज लद्दाख। नेम द कंट्रीज विच वेयर इंक्लूडेड इन द इंडियन ओशियन रीजन डिविजन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द इंडिया रिसेंटली, नेम द कंट्रीज, कौन कौन सा कंट्रीज है आपका, ये है आपका मदगास्कर और कॉमोरोस। As per the Reserve Bank of India 20th issue of the Financial Stability Report, India financial system is forecasted as, India का financial system किस तरीके से देखा जा रहा है, ये stable है, right? तो answer is stable. Which state has topped in the second edition of Sustainable Development Goal India Index for the year 2019? कौन सा state आपका topped है second edition में, ये state आपका कौन है, Kerala है। Which state has the largest forest cover in India under area-wise category as per India State of Forest Report? Under जो India का अगर देखा जाए India State of Forest Report में कौन सा largest forest cover है India में? ये आपका मध्य प्रदेश है। Now which state celebrates the 11th long open air theater festival Dhanu Jatra? कौन सा state ने ये celebrate किया था? ये आपका उड़ीसा है। Now, what is the exposure limit of the single borrower in the primary cooperative bank? अगर exposure limit के बारे में आपसे पूछा जाता है कि single borrower का क्या है primary cooperative bank में, तो ये आपका 10% है। Which state has launched the Atal Kishan Mazdoor Canteen for the benefit of the farmer and the laborers? किस state ने ये launch किया Atal Kishan Mazdoor Canteen? ये हरियाणा का है। Who won the India's highest literacy award 55th Janpith अवार्ड 2019? किसने ये अवार्ड जीता है? ये अकितम अच्युतन नामदोरी, ठीक है। विच स्टेट टॉप्ड अमंग द स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड 2019? किस स्टेट ने ये टॉप किया है? ये स्टेट तमिलनाडु है आपका।
अगर पूछा जाएगा आपसे कि डिस्ट्रिक्ट वॉज कन्फर्ड विद द अवार्ड ऑफ द टॉप डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ द सैनिटेशन एंड द क्लीनिनेस इन द स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड, अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम है तो आपको बताना है पेडापल्ली तेलंगाना. नाउ नेम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया दैट इंस्टॉल्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हाई एंड रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन मशीन्स फॉर द क्विक डिटेक्शन ऑफ द डिजीज सच एज द डेंगू ट्यूबरलेसिस एंड स्वाइन फ्लू. ये पहला सिटी आपको नाम बताना है, फर्स्ट सिटी इन इंडिया दैट इंस्टॉल्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड. ये आपका कौन है? कोलकाता वेस्ट बंगाल. ठीक है. वॉट इज द मैक्सिमम लिमिट टाइम लिमिट गिवन बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टू द बैंक्स इफ एनी लिस्टेड कंपनी हैडंट पे द डेट आफ्टर 30 डेज. ये जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है सेबी के द्वारा निर्धारित किया गया है ये क्या है 24 आवर्स. एंड हु टॉप द लिस्ट ऑफ द फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर, कौन सा पर्सनैलिटी है, कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि टॉप है? ये पर्सन आपका कौन है? सत्या नडेला. Now, what is the strike range of the Prithvi 2 missile? Prithvi 2 missile का strike range क्या है? Prithvi 2 missile का strike range 350 km का है. Now, Indian city topped and ranked 83rd position in the first Prosperity Inclusion City Seal and Award Index 2019. कौन सा Indian city है वो? Bangalore है. और top position पे अगर देखा जाए तो ये कौन है? Switzerland का Zurich. Now, under which act Reserve Bank of India has disclosed the list of the 30 major willful defaulter of India? ये कौन सा act है? RTI Act 2005. Which word was declared as the word of the year 2019 by the Oxford Dictionaries? कौन सा word है वह? Climate emergency. How many plastic parks were approved for the implementation by the central government? कितने ऐसे plastic parks को approve किया गया है? Total 6 plastic parks है. ये plastic parks आपका असम में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु, जिसमें 50% funding जो होगा वो center के द्वारा होगा और 50% funding state government के द्वारा होगा. Now next question is that SNRR account was in news. और ये काफी important है कि SNRR अभी news में था, जहां पर कि S पूछा जा रहा है किस चीज पे stand करता है ये. ये आपका स्पेशल पे स्टैंड करता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है? आपका स्पेशल नॉन रेसिडेंट रूपी अकाउंट. ठीक है. अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है. नेम द टेक जायंट दैट लॉन्च्ड K-12 एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क फॉर फैसिलिटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्कूल इन इंडिया. ये कौन सा है टेक जायंट? ये क्या है आपका? माइक्रोसॉफ्ट है. नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट GPU एक्सेलरेटेड क्लाउड बेस्ड सुपर कंप्यूटर लॉन्च बाई दी NVIDIA ऑन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर. ये जो आपका वर्ल्ड लार्जेस्ट GPU है इसका आपको नाम बताना है और ये नाम आपका क्या है? NDV2. नाउ हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द थर्ड पिलर हाउ द मार्केट एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड. आपको बताना है कि इसके ऑथर कौन है. इसके ऑथर रघुराम राजन और काफी फेमस ये बुक है. मैं तो बोलूंगा आप लोगों को पढ़ना चाहिए. ना हु वॉन द मेन सिंगल टाइटल इन द डेविस कप. मेन सिंगल टाइटल डेविस कप में कौन जीता है? रफेल नडाल ने जीता है. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल फाइंडिंग द गैप्स ट्रांसफरेबल स्किल टू बी द बेस्ट यू कैन बी. ये कौन है? इसके ऑथर कौन है? ये कौन है आपके? शिमन जैम्स ऑथर Tufel. Indian Railway Institute of the Finance Management will be set up in which of the following state? कौन से state में ये setup होगा आपका? ये हैदराबाद में होना है, right? Now the question is that which firm has entered into co-origination partnership with the State Bank of India in order to provide widened credit outreach and faster dispersal? Which firm entered? किस firm के द्वारा ये partnership हुआ है? ये आपका कौन है? UGRO Capital. नेम द फर्म विच हैज पार्टनर्ड एंड लॉन्च ए माइक्रो इंश्योरेंस इंश्योरेंस खाता. इसका जो नाम है इंश्योरेंस खाता है, राइट? दैट एम्स टू बूस्ट इनफॉर्मल एंड द एग्रीकल्चर लेबरर्स विद द सीजनल इनकम. जो कि सीजन बेस्ड अर्न करते हैं, इनकम करते हैं, लाइक जब तुम आपका धान या फिर गेहूं की खेती होती है तो इस सीजन में जो अर्न करते हैं उनके लिए ये लाया गया है. इसका नाम है इंडियाज फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस एंड द स्पाइस मनी विच पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड एंड पार्टनर्ड विद द विस्तारा टू प्रोवाइड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड टू लेटर कस्टमर्स.
राइट। इसका आपको पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर का आपको नाम बताना है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पार्टनरशिप हुआ है विस्तारा के साथ, ताकि को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड दिया जा सके कस्टमर को। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल, हेमंत करके, अ डाउटर एंड द मेमोरी दैट पोर्ट्रेज द फॉर्मर एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएफ चीफ हेमंत करके लाइफ एज ए फादर। आपको ऑथर का नाम बताना है, ये जूई करके नवारे है। एंड वेयर वॉज द फर्स्ट माइन काउंटर मीजर एक्सरसाइज माइनेक्स, जिसको जाना जाता है, पार्टिसिपेट बाय द इंडियन नेवी एंड द जैपनीज मैरी टाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स हेल्ड, ये कहाँ आपका हुआ था, ये आपका कोची केरला में हुआ था, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट वेयर वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ द डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल हेल्ड, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ पर हुआ था, ये डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल है राइट, ये आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब जैसे थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, जैसे नॉर्थ ईस्ट का आप नाम देखेंगे तो मे बी आपके दिमाग में आएगा कि ये नॉर्थ ईस्ट में कहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट विच बैंक हैज अप्रूव्ड सेकेंड ट्रेंच ऑफ द लोन दैट इज डॉलर ऑफ 150 मिलियन अबाउट 1065 करोर फॉर वेस्ट बंगाल टू बूस्ट द कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कौन सा आपका बैंक है, ये बैंक आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है ADB। नाउ नेम द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हूज करेंसी स्वैप एग्रीमेंट फ्रेमवर्क वॉज रिवाइज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को नाम बताना है, ये कौन है, SAARC है। नेम द फर्स्ट इंडियन हु वॉज अवॉर्डेड विद द ऑनरी फेलोशिप ऑफ सोसाइटी 2019 अवार्ड बाय द रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी RAES, ये आपको नाम बताना है, पहला इंडियन, ये कौन है, जी सतीश रेड्डी। Which rocket was used by the Indian Space Research Organisation to launch the Cartosat third satellite along with the 13 other nano satellite, ये कौन है आपका, Polar Satellite Launching Vehicle। Which country has played the first pink ball test series against the Indian men's team in India, कौन सा वो country है, ये country का नाम आपका क्या है, Bangladesh। Where was the India National Organic Festival of Women Entrepreneurs organized by the National Institute of the Food Technology Entrepreneurship and Management held? ये कहाँ पर आपका हुआ था? ये सोनीपत हरियाणा में हुआ था। Name the three regional rural bank of Uttar Pradesh that is to be amalgamated into the single regional rural bank called Baroda UP Bank. आपको नाम बताना है इन तीनों का। क्या उन कौन है? ये बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, काशी गोमती ग्रामीण समयुत ग्रामीण बैंक और पूर्वांचल ग्रामीण बैंक। विच कंट्री विल होस्ट दी FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप मैचेस फॉर द ईयर 2023, कौन सा ऐसा कंट्री है जो ये होस्ट करने जा रहा है, ये आपका इंडिया में होस्ट होगा और ये उड़ीसा में होगा, अक्सर उड़ीसा में होता है और वहां ही होगा। सुधीर दास पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज अ फेमस कार्टूनिस्ट। Who authored the book for child for the children titled Kumbh Gram Pad and Dili Ki Bulbul, जो कि सिंधी एडिशन है, ये बुक के ऑथर कौन है आपको ये बताना है, ये कौन है ऑथर, अनीता भटनागर जैन। Now the question is that which firm has become the first company to list the commercial paper on the stock exchange, कौन सा ऐसा firm है that who first company, you have to tell that company, और ये company कौन सा है, आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड। Now the question is that what should be the minimum net worth of the company's NBFC, right? Non-banking financial company and the other entities allowed by the Reserve Bank of India to list the commercial paper. Minimum net worth kya hona chahiye kisi bhi NBFC ka? Ye hai total 100 crore. Rupees 100 crore. And which was the focus country of the 50th edition of the International Film Festival of India? Kaun sa aapka country hai jo ki focus country tha? तो ये रशिया है। अगर इसी में सवाल रहेगा, नेम द लेजेंडरी फिल्म मेकर ऑफ द इंडिया हु विल बी द फोकस ऑफ 51st एंड द 52nd एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ द इंडिया फॉर द ईयर 2020 एंड 2021, ये कौन है, ये काफी फेमस आपके सत्यजीत रे हैं। नेम द फिल्म दैट बैग द बेस्ट फिल्म अवार्ड गोल्डन पीकॉक अवार्ड इन द 50th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ द इंडिया फॉर द ईयर 2019, आपको नाम बताना है जिससे ये गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है, ये पार्टिकल्स को मिला है राइट। और तमाम डिटेल्स मैंने PDF में प्रोवाइड कर रखा है,
तो आपको पीडीएफ के थ्रू एक बार जाने के बाद ये फायदा मिलेगा कि जब मैं यहां पर आप लोगों के लिए एमसीक्यू रखता हूं तो आप लोग उसके आंसर को डायरेक्टली देते जाइएगा, आपका एक रिवीजन होगा और स्कोर आपका बढ़ता जाएगा. नेम द फॉर्मर डिप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द माइक्रो फाइनेंस पैनल. आपको नाम बताना उस डिप्यूटी गवर्नर का, ये कौन है? एच आर खान. विच टू कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम सूर्य किरण. आपको उन दोनों कंट्रीज का नाम बताना है, सूर्य किरण में कौन कौन से पार्टिसिपेट किए थे. ये इंडिया और नेपाल है. विच कंट्री वॉज इलेक्टेड टू यूनेस्को, दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी फॉर द फर्स्ट टाइम. कौन सा कंट्री आपका सेलेक्ट हुआ है? एंड दैट कंट्री इज सऊदी अरेबिया. नेम द सेक्शन ऑफ द आरबीआई एक्ट विच शुड बी सर्टिफाइड बाई द बैंक इन ऑर्डर टू लिस्टेड एज ए शेड्यूल बैंक इन इंडिया. अगर शेड्यूल बैंक ऑफ इंडिया में उसको सर्टिफाई होना है, उसको लिस्ट अपने आप को कराना है, तो कौन से आरबीआई एक्ट को फॉलो करना होगा? अंडर द सेक्शन ऑफ द आरबीआई एक्ट, कौन सा वो सेक्शन है? सेक्शन 42(6)A. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड न्यूएस्ट नेशन आफ्टर 98% ऑफ द वोटर्स हैड बैक्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द पपुआ न्यू गुआना इन इट्स इलेक्शन. ये कौन सा कंट्री है? आपको ये बताना है. बोगेन व्हील यहां पर सही आंसर है. नाउ द क्वेश्चन इज दैट विच स्टेट हैज स्टॉप्ड इन द पॉलिसी एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस मिशन मोड प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस एज पर दी क्यूओस एज रिपोर्ट. मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों को पहले भी दिया है, अब देखिए उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस का सही आंसर आपको बताना है. टाइटल इसमें रखा गया था डिजिटल स्टेट ऑफ इंडिया ए कॉम्परेटिव एनालिसिस. ये कौन सा स्टेट है, कौन सा स्टेट आपका टॉप किया है? ये छत्तीसगढ़ है. नाउ नेम द बैंक विच वॉज अपॉइंटेड एज ए लीड बैंकिंग कन्वेयर बाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटोरी लद्दाख. आपको बताना है यहाँ पर जो अपॉइंट किए गए हैं लीड बैंकिंग कन्वेनर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, उसका नाम क्या है, वो बैंक कौन सा है? ये बैंक आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है. और इस तरीके से मैंने जो आप लोगों को यहाँ क्वेश्चंस प्रोवाइड किया है ये 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है. आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो मैंने बता दिया, आप लोगों को लिंक दिया गया है, पेटीएम के थ्रू उसका पेमेंट करना है और ये पेमेंट आप लोगों को स्क्रीनशॉट रखना है जिसमें ऑर्डर आईडी नंबर होगा. वो स्क्रीनशॉट आपको kseducationalhub@gmail.com पे भेज देना है और उसी मेल आईडी पर आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा. और इसकी एक और खासियत बात है कि ये बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से फ्रेम किया गया है. दिसंबर से लेकर मार्च तक का पूरा इसमें कलेक्शंस है और ये जो कलेक्शन है बेस्ट कलेक्शन 800 करंट अफेयर्स है. एक और मैं बात बता दूं कि आपका जब भी SBI क्लर्क मेंस का एग्जाम होगा उससे 10 दिन पहले तक का जो भी इंपॉर्टेंट MCQ होगा वो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा और वो उसी मेल आईडी पर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा बिना आपको कुछ बोले हुए, वो आपको खुद ही मिल जाएगा. अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया गया है, आप वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. नाउ आई थिंक सो दैट दिस सेशन विल बेनिफिट यू अलॉट. और अगर आप लोगों को ये शेयर करना है सेशन तो अपने दोस्तों के साथ कीजिए और उन तक भी ये महत्वपूर्ण सेशन को बांटिए. बताइए उनको कि हाँ ये सेशन आपको काफ़ी बेनिफिट दे रहा है तो आपको भी मिलेगा. सेशन शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर आपने अभी तक केएस एजुकेशनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि आने वाला भी ऐसा बहुत वीडियो है जो कि आपको बेनिफिट देगा. तो चलिए आप सब पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से अपने सेहत का ध्यान रखिए और हम सब वापस मिलते हैं.